ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। महानुभाव, हम और आप सीधे भगवान शिवदेव के चरणों में ओम रीम श्री ऋषभदेवाय नमः, ओम रीम श्री ऋषभदेवाय नमः, ओम रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः, ओम रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः, ओम रीम श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः, ओम रीम श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः, ओम रीम चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः, ओम रीम चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। आज से सप्त परम स्थान व्रत शुरू हुआ है। क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि यह 7 दिन का व्रत होता है। आज है श्रावण कृष्णा अमावस्या और कल से एकम श्रावण शुक्ला एकम से सप्तमी तक व्रत का विधान है। फिर भी छठ और सप्तमी रविवार को चूंकि दोनों तिथि सम्मिलित होने से अमावस्या से ही यह व्रत प्रारंभ हुआ है। आज से ये व्रत प्रारंभ हो गया है। जो भी सप्त परम स्थान व्रत कर रहे हैं वो आज से ही करेंगे सप्तमी तक रविवार तक। आज सोमवार से रविवार तक व्रत करेंगे। तो उसमें आज है सज्जाति परम स्थान मंत्र का जाप। उस मंत्र का उच्चारण करेंगे। पहला मंत्र है ओम ह्रीमरम सज्जाति परम स्थान प्राप्तये, ओम ह्रीमरम सज्जाति परम स्थान प्राप्तये, श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः, श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे। पुनः ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः, ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। महानुभाव, आज मैं आपको सप्त परम स्थान के बारे में प्रकाश डालूंगी। समझें आप, सप्त परम स्थान क्या है। सज्जाति सद्गार्हस्थ्यम पारिव्राज्यम सुरेन्द्रता साम्राज्यम परमार्हंत्यम परनिर्वाणमप्यपि मित्यपि निर्वाणम चेति सप्तधा। यानी सज्जाति सद्गृहस्थपना सद्गार्हस्थ्य सज्जाति पहला स्थान, सद्गृहस्थ दूसरा स्थान, तीसरा स्थान है पारिव्राज्य, चौथा स्थान है सुरेंद्रता, पांचवा स्थान है साम्राज्य, छठा स्थान है अर्हंत अवस्था अर्हंत केवली अवस्था और सप्तम स्थान है निर्वाण। ये क्रमशः सप्त परम स्थान है। महापुरुषों ने सप्त परम स्थान को प्राप्त किया है। जैन रामायण के अनुसार भी हम चिंतन करें तो श्री राम ने भी पहले सज्जाति प्राप्त की, सद्गृहस्थ हुए, पारिव्राज्य ने दीक्षा ली और इसके पूर्व भाव में दूसरे भाव में वो ब्रह्म स्वर्ग में ब्रह्मेंद्र थे, सुरेंद्र पद को प्राप्त किया था, पुनः साम्राज्य पद को प्राप्त किया, 3 खंड के महाराजा हुए और पुनः केवल ज्ञान प्राप्त करके अरहंत अवस्था को प्राप्त करके निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे ही तीर्थंकर भगवंतों में हम चिंतन करें, भगवान शिवदेव ने सज्जाति सद्गार्हस्थ्य पारिव्राज्य साम्राज्य अरहंत अवस्था और निर्वाण अवस्था को प्राप्त किया हुआ है। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने सप्त परम स्थान प्राप्त किए हैं। सप्त परम स्थान में हमें और आपको यार निर्वाण प्राप्त करना है, अरहंत अवस्था प्राप्त करनी है, अपनी आत्मा को भगवान परमात्मा बनाना है, जिनमें ज्योतिष्वर भगवान आत्मा को प्रकट करना है, तो मूल में सज्जाति स्थान। और हमने और आपने सबने सौभाग्य से सज्जाति स्थान प्राप्त किया है। सज्जाति की परिभाषा जो आचार्यों ने की है उस पर आप ध्यान देंगे। स नृजन्म परिप्राप्तो दीक्षा योग्ये सदन्वये विशुद्धम लभते जन्म सहसा सज्जाति रिष्यते। मनुष्य जन्म को प्राप्त करके दीक्षा योग्य कुल में जन्म लेना वो सज्जाति है।
पितृरन्मय शुद्धि या तत्कम परिभाषते मातृरन्मय शुद्धि तो जातिरितन वर्णिते विशुद्धि सज्जातिरनवर्णिता यद प्राप्त सुलभाबोधि रयत्नोपन तय गुण ही। ये आदि प्राण की पंक्तियाँ हैं मनुष्य जन्म को प्राप्त करके पिता के वंश की शुद्धि, पिता के कुल की शुद्धि, सज्जाति जिसे वर्ण संकर जाति संकर आदि दोष नहीं हुए हैं, अंतर जाति विवाह विधवा विवाह पुनर्विवाह आदि नहीं हुए हैं, खानदान की शुद्धि पिंड शुद्धि ये, और ऐसे माता के कुल में अन्मय यानी कुल की शुद्धि, ये सज्जाति कहलाती है। आगे भी कहा है जाति गोत्रादि कर्माणि शुक्ल ध्यान से हेतुः एषु स्युः ते त्रयो वर्णाः। जाति गोत्र आदि क्रियाएं शुक्ल ध्यान में हेतु हैं, इनके बगैर शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता है, और जिनमें यह है वो त्रैवर्णिक कहलाते हैं। व्याकरण में भी कल ही मैं देख रही थी जैनेन्द्र व्याकरण श्री पूज्य स्वामी के द्वारा रचे हुआ, उसमें भी आया है वर्णेन अर्हत रूपा योग्या नाम, वर्ण से जो अर्हत रूप के अयोग्य है उसमें समास के प्रकरण में वर्णन कुछ आया है कि द्वंद समास में हो जाता है, वर्ण से अर्हत रूप के योग्य त्रैवर्णिक ही है, हमेशा ध्यान में रखें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। भगवान ऋषभदेव ने युग की आदि में जैसा कि वर्णन आया है पूर्वापर विदेहेशु या स्थिति संवर्षिता है साध्य प्रवर्तनीयात्र ततो जीवन तमो प्रजा है। भगवान ऋषभदेव के सामने जब प्रजा निवेदन करने आई कि भगवान कल वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया, अब हम क्या करें, कैसे जिए, कैसे रहें आदि, तो भगवान ने क्षण भर के लिए चिंतन किया कि पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह में आज भी विदेह क्षेत्र में जो स्थिति है जहाँ चतुर्थकार शाश्वत रहता हमेशा 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 रहता है, वहाँ जो वर्ण व्यवस्था आदि है वो सब यहाँ लागू करनी चाहिए, तो षट क्रियाओं का उपदेश दिया। षट क्रियाएँ यथ तथा वर्णाश्रम स्थिति वर्ण व्यवस्था क्षत्रिय वैश्य शूद्र तीनों वर्ण की व्यवस्था आदि बनाई, और ग्राम नगर आदि की व्यवस्था एक सेकंड मात्र में प्रभु के चिंतन से ही इंद्र आ गए असंख्यात देव परिवारों के साथ, और ग्राम नगर आदि की रचनाएँ कर दी। हस्तिनापुर उज्जैनी वाराणसी आदि अंग वंग कलिंग आदि देश सब उसी समय ऋषभदेव के युग की आदि में इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने सब रचनाएँ बनाई हैं, देवों ने रचनाएँ की हैं। और यथा स्थान प्रजा को बसा दिया। उसके बाद भरत के द्वारा ब्राह्मण वर्ण की स्थापना हुई है, तो चार वर्ण हो गए जो भी हैं, तीन वर्ण वर्तमान में चतुर्थ काल में और आज पंचम काल में भी त्रैवर्णिक दीक्षा के योग्य माने गए हैं। जैसा कि कहा है अनेक ग्रंथों में भी इस बात को वर्णन किया हुआ है कि दुभाव असुई सूदक पुफ वही जाय शंकरादिम कई दाना विकुवत्ते जेवा कुंड जायंते, त्रिलोक सार की गाथा है कि दुर्भाव से असुचि अपवित्र अवस्था से सूतक पातक है वैसे स्थिति में अथवा रजस्वला स्त्री या जाति संकर आदि दोष से दूषित जो लोग आहार दे देते हैं साधु को तो वो कुफ भूमि में जाकर जन्म लेते हैं, यानी दोषास्पद है। मुनि जानकर तो लेंगे नहीं, नहीं मालूम है तो ले लिया, और जाने देने वाले दिया तो उनको कुभोग भूमि में जन्म लेना होता है आदि। बात यही है कि आचार्य ने जो बताया है उसके अनुसार सज्जातीयत्व की रक्षा हमेशा ध्यान रखें। आचार्यों के सामने जो चर्चाएं आई वर्तमान में तो अपने जैन में 84 जातियाँ प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, भले ही आज हमने बहुत उनको अन्वेषण और खोज कराई तो अधिकतम 84 पूरी नहीं मिल पाई हैं,
35 36 के तो संगठन भी मिले हैं और भी बहुत सी जातियाँ उपलब्ध हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे दक्षिण में चतुर्थ, पंचम, सेतवाल, बघेरवाल आदि, और इधर उत्तर में खंडेलवाल जैन, अग्रवाल जैन, पोरवाड़ जैन, पद्मावतीपुरवाल जैन, जायसवाल जैन आदि, ये सब जातियाँ हैं भिन्न भिन्न। फूलमाल 25 में 84 जातियों के नाम भी आते हैं और उनमें से बहुत सारी जातियाँ आज उपलब्ध हैं। बुंदेलखंड में भिन्न भिन्न है, जैसे कि परवार, गोलापुरब, गोला लारे आदि जातियाँ हैं। अलग अलग देशों से अलग अलग भिन्न भिन्न जो भी हैं एक किस प्रकार से हैं। तो आचार्यों का कहना यह रहा, आचार्य श्री शांतिसार महाराज, वीरसार महाराज के सामने जो चर्चाएं हमने सुनी हैं, कि जिस प्रकार से गेहूं में अनेक जाति हैं, चावल में अनेक जाति हैं, गुलाब के फूल में अनेक जाति हैं, आम में अनेक जाति हैं, उसी प्रकार से हमारे जैन में अनेक जाति हैं। और इनमें संकर होना, मिश्रण हो जाना, शादी विवाह हो जाना जाति संकर है, नहीं होना चाहिए। अपने अपनी जाति में विवाह की परंपरा अनादि परंपरा से चली आ रही है। अपने अपनी जाति में अपने अपने वर्ण में विवाह आदि होने से जाति शुद्धि अन्यथा जाति संकर दोष माना जाता है। ये अपनी गुरु परंपरा आचार्य परंपरा में व्यवस्था चली आ रही है। दक्षिण में चतुर्थ है, पंचम है, अपनी अपनी जाति में विवाह शादी करते हैं, जायसवाल है और सेतवाल है, बघेरवाल है, और भी अनेक प्रकार की जातियाँ हैं। तो बात यही है कि प्रांतों की अपेक्षा से उनके नाम भी भिन्न भिन्न हैं। जो भी हो, हमेशा ध्यान में रखें जैन में वर्तमान में 84 जाति हैं। वर्तमान की परिस्थिति के क्यों लेकर के हमें और आपको अपने सजातीयत्व की रक्षा करना है। हमारे आज बालकों के लिए, नवयुवकों के लिए, जो आधुनिक पढ़ाई में अपने आप लगे हुए हैं, आधुनिक पढ़ाई से संस्कारित हैं, उन्हें भी ध्यान में देना चाहिए कि अपनी खानदान शुद्धि और खान पान शुद्धि बनाए रखें। इसे पिंड शुद्धि कहते हैं, खानदान शुद्धि, खान पान शुद्धि, यह अति आवश्यक है। इससे अपने सजातीयत्व की रक्षा होगी और हमारे और आपके ही किन्हीं न किन्हीं के कुन में आगे जाकर के जब चतुर्थ काल आएगा तो तीर्थंकर महापद्मादि 24 तीर्थंकर होंगे, श्री निर्मलनाथ, अनंतवीरनाथ आदि 24 तीर्थंकर होंगे, चक्रवर्ती 12 चक्रवर्ती होंगे, नव नारायण, नव प्रति नारायण, नव बलभद्र होंगे, ये सब 63 सलाका पुरुष, महापुरुष, और भी मोक्षगामी असंख्यातों पुरुष जो जन्म लेंगे, सब खानदान शुद्धि में ही जन्म लेकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये अनादि व्यवस्था है बनी हुई, उच्च गोत्र उन्हीं के माना जाता है। संकर दोष से गोत्र शुद्धि, पिंड शुद्धि, खानदान शुद्धि नहीं रहती है। वर्तमान की व्यवस्था के अनुसार ये हमें और आपको सजातीयत्व का लक्षण समझना है। पूर्व काल में भी हमेशा ध्यान में रखें कि सजातीयत्व की व्यवस्था रक्षा हमेशा हमेशा अनादिकाल से चली आई है, और ये बात ध्यान में रखें। पंचम काल के बाद छठा काल आएगा, अभी लगभग 2500 वर्ष व्यतीत हुए हैं, 21000 वर्ष का काल है, लगभग 18500 वर्ष व्यतीत होंगे, पुनः छठा काल आएगा, पुनः छठा, पुनः पंचम। तब तक कोई न कोई अवश्य व्यवस्थित व्यवस्था बनी ही रह जाएगी। भले ही छठे काल में विवाह शादी की व्यवस्था नहीं रहेगी, फिर भी एक का एक के साथ संबंध होने की व्यवस्था सुरक्षित रह जाएगी, अज्ञात रूप में ही रह जाएगी, और वो खानदान शुद्धि रूप में मानी जाएगी। छठे काल के अंत में जब 49 दिन का प्रणय होगा, अग्नि आदि की वर्षा होगी, उस समय लिखा है कि 72 जोड़े और कुछ अधिक जोड़े जो सुरक्षित, जिनकी शुद्धि है, विशेष है, जिनसे आगे खानदान परंपरा चलने वाली है, देवों के द्वारा, विद्याधनों के द्वारा, ऐसे कुछ युगलों की सुरक्षा विजयार पर्वत की गुफा आदि को भी की जाएगी, और जो आगे चल करके पुनः चतुर्थ काल आदि में जिनसे खुलकर तीर्थंकर आदि जन्म लेंगे, तो ये सब व्यवस्थाएँ त्रिलोक प्रणति, त्रिलोकसार और लब्धिसार ग्रंथ आदि को से, इसके आधार से हमारे पूर्व विद्वानों ने और आचार्यों ने जो वर्तमान में जाति की सुरक्षा के बारे में उपदेश दिया है,
और सजातीयत्व का वर्णन जो आगम में हमें मिलता है उस पर हमें ध्यान रखना है। जाति संकर दोष नहीं करना चाहिए। जाति संकर, वर्ण संकर आदि दोष हैं, तो इस प्रकार से सजातीयत्व परम स्थान, इसका आप व्रत करें तो आज इसका मंत्र भी जाप करें। और इस व्रत की विधि में लिखा हुआ है एक वस्तु ग्रहण करना उत्कृष्ट रूप व्रत है। एक वस्तु से जैसे चावल लेना है, धान में एक अनाज लिया, ऐसी परंपरा में है गुरु परंपरा में कि एक धान एक फल एक रस आदि लेकर ये व्रत करते हैं 7 दिन, जैसा भी है और जिनकी जैसी शक्ति है अपनी शक्ति के अनुसार, कुछ नहीं तो एक आसन करके भी व्रत कर सकते हैं और जाप करें। लघु व्रत, जघन्य व्रत तो इस प्रकार से भी किया जा सकता है, एक बार शुद्ध भोजन करके शाम को जल ग्रहण नहीं करना। ये दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार व्रतों की व्यवस्था है, परंपरा है। सायंकाल में जल ले लेने से, फलाहार आदि ले लेने से वो व्रत नहीं कहलाता है, हमेशा ध्यान में रखें। व्रत में जघन्य विधि है एक आसन एक बार शुद्ध भोजन, हमेशा ध्यान रखें। तो ये दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार विधि, आज से सप्तम स्थान व्रत चालू हुआ है, जो करना चाहे कर सकते हैं। इसका अपने आप में बहुत ही महत्व है, आचार्यों ने तो बहुत ही बताया हुआ है ग्रंथों में, विचार करके देखा जाए तो अनेकों ग्रंथों में अनेकों उदाहरण हैं। आप पढ़ कर के इस बात को समझें, बात यह है कि अनादि परंपरा से पहले यहाँ षटकार परिवर्तन में भोग भूमि रहती है, भोग भूमि में से उन्हीं में से तीर्थंकर भगवान दिव्य अवधि ज्ञान से उनकी योग्यता और व्यवस्था को देख करके ही क्षत्रिय वैश्य शूद्र की व्यवस्था बनाते हैं और उसी के अनुसार ही आगे चल करके सज्जातीयत्व की रक्षा और वर्ण से सज्जाति से जो योग्य हैं उन्हीं के लिए जैनेश्वरी दीक्षा आदि विधि मानी गई है। वही आहार दान के लिए पात्र हैं, वही अभिषेक के लिए पात्र हैं। इन सब बातों के लिए सज्जातीयत्व का अपना महत्व है और इसका व्रत करने वाले व्रत करें, हमेशा हमेशा सज्जातीय को प्राप्त करके और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। सज्जाति से ही अगला स्थान सद्गृहस्थ स्थान बनेगा। इस प्रकार की व्यवस्था के अनुसार आप ध्यान में रखें। अब जाप करेंगे शांति के लिए, वर्तमान के कोरोना रोग की शांति के लिए। ओम रीमरम नमो सबो सही पत्ताणम। ओम रीमरम नमो सबो सही पत्ताणम। वैश्विक महामारी रोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। वैश्विक महामारी रोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का भी जाप करते रहें, नमोकार मंत्र जपते रहें, भक्तामर आदि का पाठ करते रहें और स्वाध्याय आदि करके अपने घर में काल समय का यापन करें। सब लोग कोरोना जैसे महामारी से सुरक्षित रहें और सुरक्षित रहकर धर्माराधना करते रहें, यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।